तो स्टूडेंट्स की आपसी कोई लड़ाई थी, लड़ाइयाँ होती रहती हैं, कौन से स्टूडेंट्स की, कभी कभी आपके यूनिवर्सिटी दौर में आपके भी हुई होंगी, पर क्या तुलबा की आपस की कोई किसी लड़ाई का ये मतलब है कि रियासत इंटरवीन करे? और इतना तो कभी हम किसी टेररिस्ट पे इतना बड़ा हम ऑपरेशन नहीं करते जितना यूनिवर्सिटी पे इन्होंने बड़ा ऑपरेशन कर दिया। एक एक स्टूडेंट पे 10-10, 15-15 लोग थे पुलिस के जो मारने वाले थे, बाकायदा कह रहे थे कि उनको मारो, ये मिलिटेंट्स हैं, ये दहशतगर्द हैं, जबकि हम इनरोल स्टूडेंट हैं। क्यों नहीं हुई जब लड़ाई छोटी थी तब इन लोग इन्वॉल्व क्यों नहीं हुए? हॉस्टलों के अंदर मौजूद थे, इनको किसने मारा है? इनको तो आपकी पुलिस ने मारा है, आपके राजा कैसर ने मारा है, आपने ऐसा क्यों किया? गर्ल्स का इसमें क्या कसूर था? पूरी वीडियो के अंदर एक गर्ल्स एक लड़की दिखा, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक टीवी 24 के साथ सकलैन हमन आपसे मुखातिब है। इस वक्त कादियानी यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद है। तशद्दुद किसकी जानिब से हुआ? क्या वो तुलबा आपस में लड़े हैं, उन्हीं का तशद्दुद है, या कोई पुलिस की जानिब से जिस तरह ऑपरेशन किया गया उनके मुतालिक? देखिए, ये तशद्दुद जो है वो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन और सिटी इंतजामिया की तरफ से हुआ गया, जो उन्होंने वहाँ पे पुलिस फोर्सेस भारी नफरी उन्होंने डिप्लॉय किया उनकी तरफ से हुआ। कादियाज़म यूनिवर्सिटी में एक लड़ाई हुई है दो स्टूडेंट्स के दरमियान जो पीएचडी के थे, अगर उनके दरमियान लड़ाई हुई थी तो वो सुलह भी हो सकती थी, लेकिन मामला कुछ यूँ है जब लड़ाई हुई है तब एडमिन इन्वॉल्व नहीं हुई, ना सुलह के लिए इन्वॉल्व हुई है ना किसी चीज़ के लिए, तो बढ़ती बढ़ती लड़ाई बड़ी हो गई है जो दो कम्युनिटीज़ के दरमियान आ चुकी थी। और इसके बाद रात की तारीखी के अंदर हॉस्टल के अंदर ऑपरेशन किया गया है, इसमें नहाते स्टूडेंट थे जिनका लड़ाई से कोई ताल्लुक भी नहीं था, जिनकी कम्युनिटीज़ भी दूसरी थी, उनको रात को रात की तरीकी में एवोकेट किया गया है डंडों के साथ। मुतालबा क्या कर रहे हैं आप इस वक्त प्रेस क्लब के आप बाहर मौजूद हैं, काफ़ी सारे मैं देख रहा हूं स्टूडेंट्स मौजूद हैं आपके साथ, क्या मुतालबा है आपका इस वक्त? देखिए, मैं दो तीन ही बुनियादी मुतालबात हैं। पहला ये है कि जितने भी हमारे साथियों को बगैर किसी FIR के बगैर किसी चार्ज के अरेस्ट किया उनको फ़ौरन रिहा करें। दूसरा हमारा मुतालबा ये है कि जो फीमेल स्टूडेंट्स को उन्होंने आधी रात को बेदखल किया है और उनको कोई अकोमोडेशन पर उनको वापस लेकर आए, यूनिवर्सिटी को वापस खोलें ताकि सारे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें। और तीसरा ये जो भी इशू हुआ है इसको मवाज मत बनाए, इसको वजह मत बनाए कैंपस को मिलिट्राइज करने की और सिक्योरिटाइज करने की और वहाँ पे खौफ का माहौल बनाने की। एक एक स्टूडेंट पे 10-10, 15-15 लोग थे पुलिस के जो मारने वाले थे, पुलिस वाले थे, और हमारे रजिस्ट्रार राजा कैसर साहब उनके साथ मौजूद थे, नारेबाजी कर रहे थे, बकायदा कह रहे थे कि इनको मारो, ये मिलिटेंट्स हैं, ये दहशतगर्द हैं, जबकि हम इनरोल्ड स्टूडेंट हैं। आज तक ऐसे स्टूडेंट मौजूद हैं जिन पे आज तक एक UDC क्या किसी भी किस्म की वायलेशन का कसूर बजाय इसके कि इंतजामिया मामले को सुलझाती, आप ये कह रहे हैं कि वो हॉस्टलों में घुसे जी से उन्होंने स्टूडेंट्स को वहां से निकाला, बिल्कुल ऐसे ही है। तो स्टूडेंट्स लड़कियां जो थी हॉस्टल्स में उन्हें जिस तरह से निकाला गया है उसके मुतालिक अगर आप थोड़ा सा बता दें, पहले उन्हें इन्फॉर्म किया गया था, वार्न किया गया था कि आप इसको छोड़ दें या अचानक से ही जाके खाली करवाया गया? देखिए, नोटिस जारी किया गया था बट इतना टाइम नहीं दिया गया था कि वो उस टाइम में अपना टिकट करा के तो जा सके। कादियाज़म यूनिवर्सिटी में आपको पता होगा कि अक्सरियत जो तुलबा की है वो दूर दराज इलाकों से आए हुए हैं, तो वो इतने कोई इलीट तबके से भी नहीं है, उनके लिए आसान नहीं होता रोज 7-7 हज़ार के टिकट करा के तो घर जाना वापस आना, तो उन्होंने नोटिस तो जारी किया था बट वो इतना इमीडिएट किस्म का नोटिस था कि एक दिन में कौन, अगर फॉर एग्जाम्पल बलूचिस्तान से आया है, अगर कोई सिंध से आया है, क्या वो 12 घंटे के नोटिस में, एक दिन के नोटिस में जा सकता है वापस? इस्लामाबाद पुलिस मुर्दाबाद, नई की पुलिस मुर्दाबाद, तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, पुलिस तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, राजा तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, राजा तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अगर ये बात आप कैमरे से रिकॉर्ड कर लें, अगर इंतजामिया इन दोनों ग्रुपों के दरमियान सुलह के लिए कोई कोशिश करती तो वो सबके सामने होती, तब हाइप क्रिएट क्यों नहीं हुई? जब लड़ाई छोटी थी तब इन लोग इन्वॉल्व क्यों नहीं हुए? कोई एक बंदा बता दे कि इन्होंने कॉन्टेक्ट किया हो, जब लड़ाई हो चुकी इन्होंने देखा, ये चाहते थे कि कोई ऐसा वाकया हो, हम इस मामले को कैश आउट करें, इन्होंने उस पर मुकम्मल तौर पर सियासत की है, इस मामले को कैश किया है। अगर आप हिस्ट्री निकालें कादियानी यूनिवर्सिटी की, तो जुमे के दिन इस लड़ाई से पहले बसेस हमारी फंक्शनल नहीं थी, क्यों? क्योंकि इनके पास डीजल के पैसे नहीं थे, इस चाहते थे कि कोई हमें मौका मिले किसी तरह हम यूनिवर्सिटी को ऑनलाइन मूड में लेके जाएं, और उन्होंने ये किया। अच्छा, ये भी फिर हो सकता है कि इंतजामिया कम्युनिटीज को लड़वाने में भी कहीं उसका रोल तो नहीं था? जिस तरह का ऑपरेशन किया जा रहा है तो इसका मतलब यही है कि उनका रोल है।
अब जो पुलिस ने हम पर तशद्दुद किया है, जो हमें बेघर किया है, जिन कपड़ों में हम थे अभी तक हम उन कपड़ों में हैं, ना हमारे नहाने की जगह है, बिल्कुल किसी का कोई सामान नहीं है। आप देखें कि हमारी इतनी एक पर्स नहीं है हमारे पास, कि हमारे वॉलेट नहीं है कि हम वहाँ का ATM निकाल के वहाँ से यूज कर सके। हमारे मोबाइल फोन भी हमारे पास नहीं थे, बहुत सारे लड़कों के मोबाइल फोन भी तोड़ दिए गए थे वहाँ पे। अगर वो लड़ाई में स्टूडेंट्स ने मारा है तो जो स्टूडेंट हॉस्टलों के अंदर मौजूद थे इनको किसने मारा है? इनको तो आपकी पुलिस ने मारा है, आपके राजा कैसर ने मारा है, जो बिल्कुल साथ है, जो हमारे रजिस्ट्रार साहब है, जो स्टूडेंट्स को एनरोल स्टूडेंट्स को कह रहे थे कि आप दहशतगर्द हो। अच्छा बिल्कुल, अगर इंतजामिया इंटरफेयर ना करती या पुलिस वहाँ इंटरफेयर ना करती, हो सकता है मामला इससे भी बढ़ जाता है। वहाँ पर फुटेज जिस तरह से आ रही थी, लड़ाई जा रही थी, तो कहीं ना कहीं तो इंतजामिया को भी इन्वॉल्व होना था। तो आप इंतजामिया के रोल के खिलाफ आए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, इंतजामिया का रोल यही ज्यादा से होता है ना, क्योंकि आपस में सुलह कराते, वो उसने नहीं कराई, उसने बाकी सारी पुलिस फोर्सेस को दावत दे दी कि आप आके स्टूडेंट्स पे मजीद हमला करें और मजीद तशद्दुद करें। स्टूडेंट्स की रिकंसिलिएशन का प्रोसेस शुरू हो गया था, लड़ाई उन्होंने खुद रिजोल्व करनी शुरू कर दी थी। लड़ाइयाँ होती रहती हैं और स्टूडेंट्स आपस में क्योंकि मिल के रहते हैं वहाँ पे, मिल के पढ़ते हैं, तो लड़ाई ठीक भी हो जाती है। तो रिकंसिलिएशन का प्रोसेस शुरू हो चुका था, वो लड़ाई बिल्कुल ठीक हो रही थी। स्टूडेंट्स ने अब तहिया कर लिया कि वो दोबारा से ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे, ऐसा नहीं लड़ाई करेंगे? देखिए, वो तो पहले भी उन्होंने तहिया नहीं किया था कि वो इस किस्म की लड़ाई करेंगे। वो तो बड़े अनफॉर्चुनेट लाइक होते हैं ना, कभी कभार वंस इन अ ब्लू मून किस्म के वाकयात होते हैं, कोई प्लान तो नहीं करता कि इस किस्म का कुछ हो। और वो भी जो भी लड़ाई थी वो आपस में सुलह सफाई कर रहे थे। उसके बाद सुना है हमने की लड़कियों का या गर्ल्स का उनको भी हॉस्टल से निकाला है। बिल्कुल, रात की तरीके में फीमेल वार्डर्स ने उनको हरास किया, उनको फोर्सफुली कहा है कि जैसे करो तैसे करो, यहाँ से एवैक्यूएट करो, निकलो यहाँ से। क्या उनको गर्ल्स हॉस्टल में घुस के कोई मारने वाला था? मेरा सवाल एडमिन से, क्या गर्ल्स को कौन सी इनसिक्योरिटी थी? जिन्होंने लड़ाई की थी वो तो एवैक्यूएट कर चुके थे, उन पर तो आपने FIRs दे चुके थे, आप लीगल तरीके से उनके साथ डील करते, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? गर्ल्स का इसमें क्या कसूर था? पूरी वीडियो के अंदर एक लड़की दिखा दी जाए हमें जो लड़की लड़ाई में थी। इसका रद्द करेंगे? भी एक स्टूडेंट है। बिल्कुल, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मुझे दूसरा साल मुकम्मल होने वाला है इस यूनिवर्सिटी के अंदर। इस तरह की लड़ाई हम शुरू पहले साल से, पहले सेमेस्टर से देखते आ रहे हैं। एक घर है, एक फैमिली है, हम कायदियन एक दूसरे के लिए हर जगह आवाज बनते हैं। अगर कभी अनइंटेंशनली अनफॉर्चुनेटली अगर लड़ाई हो जाती है तो इस पर हमने टेबल टॉक्स की हैं, सुलह की हैं। जब हम कल्चर एक्सचेंज कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, तब तो कोई मीडिया नहीं दिखाता, तब तो आप कभी हाइप क्रिएट नहीं करते। जब हम एक दूसरे के साथ बैठ के अपने कल्चर एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे के डांसेस को शेयर करते हैं, तब तो कोई मीडिया नहीं दिखाता। आज अगर हमारी लड़ाई हो जाती है तो आप सुलह कराने की बजाय ये दिखा तो ये मिलिटेंट है। लेंगे आजादी, पढ़ने के लेंगे आजादी, जिंदा है तलबा, जिंदा है जोयू के तलबा, जिंदा है तलबा, ये लाठियां खाकर, ये जेलों में जाकर, ये गोलियां खाकर, तालीम की खातिर, हॉस्टल की खातिर, जिंदा है।